इसी मंदाकिनी नदी के तट पे, मतलब ऊपर पहाड़ों पे संत भगवान का निवास स्थली होता है। कितनी हसमुख है प्रभु जी, कैसा लगता है? बहुत अच्छा, जंगल में मंगल है। जानवर का भी डर रहता है। यहाँ पे प्रभु जी भोजन की शादी बनाएंगे। प्रभु जी इसी में सब कुछ रखते हैं सामान सब? क्या सामान यही है। जंगल में पहाड़ों में अकेले रहें और ऐसे ही कुटिया बना करके रहते हैं प्रभु जी, और ये सब कुछ अपने हाथों से बनाए हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज भोजन प्रसादी में क्या सब बना रहे हैं? टक्कर बनाएंगे, टक्कर बना रहे हैं। दान धर्म पुण्य बनता है, दान धर्म करना चाहिए, करना चाहिए। अंत में जब परमात्मा के पहुंचेंगे तो क्यों भाई, तुमको बानर तन दिया तो कुछ करके आए, फिर वो कहाँ, कछु तो करो कछु नहीं करो। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं भूमि भारत, मैं हूँ प्रवीण। अभी हम एक पहाड़ की चोटी पे हैं और जंगल है, पहाड़ पे जंगल है क्योंकि बरसात हुई है, तो ये जंगल आप देख सकते हैं किस तरह से है। और इसी जंगल में कहीं ना कहीं प्रभु जी का, मतलब संत जी का एक कुटिया होगा जहाँ पे संत जी रहते हैं, क्योंकि मुझे ग्रामवासी बताए हैं जो उस पहाड़ के चोटी पे प्रभु जी का कुटिया है एक, तो हम उसी के खोज में हैं। और लगातार आपको हम अलग अलग जगहों से, भारत के अन्य तीर्थ स्थलों से हम संतों की दर्शन करवाते हैं, संतों की कुटिया का दर्शन करवाते हैं, और शायद ये रास्ता नहीं है तो अभी हम दूसरी रास्ते से जाएंगे। जैसे ही कुटिया नज़र आएगी हम आपको दिखाएंगे, तो जैसे ही कुटिया नज़र आएगी हम आपको दिखाएंगे। और अभी हम निकल रहे हैं, अभी हम वैसे जैसे ही संतों की कुटिया नज़र आएगी हम आपको दिखाएंगे। और अभी हम इस जंगल में जा रहे हैं, इस पहाड़ की चोटी पे आप देख लीजिए, ऐसे ही पहाड़ की ये पत्थर सब रखा रहता है, इस पे ही जाना होता है। और ऐसे ही हमें भी जाना होता है। जानवर का भी डर रहता है लेकिन कोई नहीं, अभी हम संत जी का दर्शन करेंगे। पहले आधी घंटे से तो हम चल रहे हैं लेकिन कोई कुटिया नहीं नज़र आया, शायद एक कुटिया है। हाँ, संत जी की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे संत जी रहते हैं, देख लीजिए। हाँ, ये एक कुटिया है, देखिए ये एक संत जी का कुटिया है। और कितना अच्छा कुटिया है, ये चारों तरफ ये लकड़ी का बनाए हुए हैं ताकि कोई जानवर प्रवेश ना कर सके। और ये प्रभु जी का बगीचा है और प्रभु जी वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। चलिए अंदर से चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा लगता है जब संत जी का दर्शन हो जाए, सुबह सुबह कुटिया मिल जाए। देखिए ये एक कुटिया का आंगन है, कुटिया है, और इसी में एक प्रभु जी यहाँ पे हैं। जय सियाराम प्रभु जी, जय सियाराम। देखिए प्रभु जी कितने हसमुख हैं, प्रभु जी कैसा लगता है? बहुत अच्छा, जंगल में मंगल है, जंगल में मंगल है, सियाराम को। चलिए प्रभु जी से और बातचीत करेंगे धीरे धीरे। ये देखिए ऊपर बारिश हो रही है, माँ मंदाकिनी जी बह रही है और इसमें भक्त लोग स्नान भी करते हैं। और इसी मंदाकिनी नदी के तट पे, मतलब ऊपर पहाड़ों पे संत भगवान का निवास स्थली होता है, जहाँ संत लोग माँ मंदाकिनी के तट पे निवास स्थली करते हैं, रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और आजीवन अपने जीवन को गुजार देते हैं यही माँ के तट पे। और ये माँ का आंगन है, माँ मंदाकिनी जी का। और कितना मनोरम ये दृश्य है, मेरे पीछे आप देखिए ये कितना मनोरम दृश्य है। और श्रावण का महीना है
और ऊपर पहाड़ है, पहाड़ पे कोई मंदिर है और ये माँ मंदाकिनी ऐसी ही बहती रहती है और भक्त यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं, जलाचमन करते हैं और फिर शांति जी का दर्शन करते हैं। तो हम भी करेंगे, चलिए पहले माँ मंदाकिनी जी का जलाचमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर शांति जी का दर्शन करेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर। बारिश भी आ गई जोर से, अब हम चलते हैं संत भगवान का दर्शन करने। ओ नयरे गोपाल हरे, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, देवा माता उनके बार वारे बेटा मा देवा, ये ग्रह निर्वाद नजारे भैया दारे माते तम सवारी, अंदन को आरे ओलिन को गाया, बंदन को गोटे निर्दन को गाया। अभी देखिए प्रभु जी भोजन प्रसादी बनाने का तैयारी कर रहे हैं और ये जंगल से लकड़ी लाए हैं और उसको हाथ से तोड़ रहे हैं और यहाँ पे प्रभु जी भोजन प्रसाद ही बनाएंगे। यही प्रभु जी का भोजन प्रसाद ही बनाने का स्थली है और वो चूल्हा है और ये स्वयं प्रभु जी हैं। जय सीताराम प्रभु जी। सीताराम सीताराम। देखिए प्रभु जी ये कुटिया स्वयं अपने हाथों से बनाया है और कितना अच्छा ये कुटिया है। देखिए ऊपर में काला पन्नी लगा है, उधर से ये लकड़ी का ये बना हुआ है और उधर ठाकुर जी विराजमान हैं और ये प्रभु जी का भंडार घर है जहाँ पे प्रभु जी सब कुछ रखते हैं। देखिए कितना अच्छा है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी इसी में सब कुछ रखते हैं सामान, सब क्या सामान यही है खाने पीने का। हाँ ये प्रभु जी दाल था है? दाल दाल है। देखिए ये प्रभु जी का दाल था और ये प्रभु जी का घर है और प्रभु जी अभी दाल निकाल रहे हैं। और ये देखिए प्रभु जी का भंडार घर नीचे में था, ये भोजन प्रसादी बनाते हैं इसमें इधर लकड़ी पे। और ये प्रभु जी का पूजा स्थली है, ये ठाकुर जी हैं, भगवान श्री राम जी, कृष्ण जी। और कितना अच्छा ये कुटिया है, कितना अच्छा कुटिया है, ये संतों की कुटिया ऐसे ही होती है और हम ऐसे ही कुटिया खोजते हैं जो दूर जंगलों में पहाड़ों में संत का कुटिया हो। और ये देखिए अब जब बारिश होती है तो ऊपर से पानी नीचे गिरता है, उतना ही नहीं यहाँ से भी पानी नीचे गिरता है। प्रभु जी नीचे में इधर सोते हैं और ये देखिए ये ऊपर में प्रभु जी का शयन वाला जो वस्तु होता है, बिछावन होता है, वो यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे ये लकड़ी का बना हुआ है और ये ऊपर में भी लकड़ी का बना हुआ है काला पन्नी का और इस पे ही प्रभु जी ये रखते हैं। और ये प्रभु जी आ गए हैं, अभी भोजन प्रसादी बनाएंगे। प्रभु जी कितना अच्छा लगता है कुटिया में? हमें बढ़िया लगता है, क्या है? प्रभु जी ये कुटिया आप स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं क्या? अपने हाथों से बनी। कैसे बनाई प्रभु जी, मतलब इतना अच्छा कुटिया? तो कहाँ से सामान लाए इसका बनाने का, कैसे बनाए? सब यही आया है, यही अपने लगा जंगल है, जंगल में काट कूट के बना बना तैयार करी।
अच्छा, और ये रेती ईट बाउल ये सब कहाँ से लाए प्रभु जी? मंदाकिनी मैया से। अच्छा, मंदाकिनी मैया से। तो कोई और कोई होंगे साथ में या अकेले? कोई साथ में नहीं, हम अकेले। देखिए किस तरह से ये कुटिया प्रभु जी बनाए हैं, अकेले अपने हाथों से बनाए हैं। यही होता है सच्चे संतों का निशान, जहाँ किसी भक्त से मतलब नहीं है, कोई आलिशान वस्तु नहीं चाहिए, आलिशान कुटिया नहीं चाहिए, जो है जैसे है अपने हाथों से बनाते हैं। और अभी प्रभु जी तो भोजन प्रसाद ही बना रहे हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं, अपने राम धुन में मस्त रहते हैं। प्रभु जी अब दाल को धो रहे हैं और इसका भोजन प्रसाद ही बनाएंगे। प्रभु जी कहाँ से ये वस्तु सब आता है, दाल चावल सब? परमात्मा ला रहे हैं। देखिए प्रभु जी हंस रहे हैं और कह रहे हैं जो सब परमात्मा लाते हैं। सब नहीं की माया है, वही ला रहे, वही ला रहे, वही नहीं होना ही आज जीवन में। प्रभु जी देखिए कितना उसको पवित्र करके भोजन प्रसादी बनाते हैं। प्रभु जी ये जल कहाँ से लाते हैं? जल लाते हैं ये तो नल लगो है। अच्छा अच्छा, मोकमगढ़ है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ से लाते हैं जल। अच्छा अच्छा, और मंदाकिनी से भी जल लाते भी हैं क्या? और मंदाकिनी का जब बरसात के बाद, हाँ हाँ, तब जो है कि मंदाकिनी का पीते खाते हैं। अच्छा अच्छा, और जब बरसात में भाई गंदो पानी आ जा रहा है। जी जी प्रभु, बरसात की पानी, इसलिए अपन नल से भर लिया। प्रभु जी देखिए ये एवरेस्ट का गरम मसाला है, किसी भक्त ने दिया होगा, और ये प्रभु जी दाल में गरम मसाला भी डालते हैं। देखिए ये प्रभु जी का कुटिया का बाहरी भाग है, और ये सब कुछ प्रभु जी स्वयं अपने हाथों से बनाया है, जो कि प्रभु जी कहा था। और ये संत लोगों का निशानी होता है, जिन्हें कुछ बड़ा नहीं चाहिए, जंगल में पहाड़ों में अकेले रहें और ऐसे ही कुटिया बना करके रहते हैं प्रभु जी, और ये सब कुछ अपने हाथों से बनाए हैं प्रभु जी। और ये प्रभु जी का कुटिया है, कितना अच्छा कुटिया है, ये लकड़ी का बना है, और प्रभु जी इसी में रहते हैं। और बारिश जब होती है तो पानी नीचे भी आता है, क्योंकि ऊपर से पूरा तरह से पन्नी नहीं है। और यहाँ पे प्रभु जी भोजन प्रसाद ही बनाते हैं। प्रभु जी ये क्या रसोई घर बनाए हैं क्या? हाँ, ये घर बनाओ अपने ईंधन लकड़ियाँ गलाने हैं, और अपने सामान कोई चीज है या कोई अमर लग जाए तो तुम लोग पानी बरसात में आएगा तो ठहर बैठे। हाँ हाँ हाँ, कोई ठहरने के लिए सामान रखने के लिए सामान रख रहा है। प्रभु जी ये अपने हाथों से बना लिए सब कुछ? सब अपने हाथ से बने हुए, कोई कुछ नहीं। प्रभु जी कोई भक्त अगर सेवा करना चाहता है तो कर सकता है? खूब कर सकते है ना, कोई परमात्मा को है, परमात्मा ही का है, परमात्मा ही का सेवा करो, फल जो सेवा करेगा तो फल प्राप्त लेगा, आशीर्वाद सुख शांति मिलेगी। आई समझ में? सही बात है ना, कोई नहीं है ना। और महाराज जी को कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, कोई आए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया, कोई भक्त दे तो बढ़िया, नहीं तो प्रभु जी स्वयं अकेले रहते हैं, मस्त रहते हैं। ऐसे ऐसे निराले संत का क्या कहना, सिर्फ प्रभु जी का कृपा है। प्रभु जी आज भोजन प्रसादी में क्या सब बना रहे हैं? टिक्कर बनाएंगे, टिक्कर बना रहे हैं। टिक्कर और दाल, दाल, मूंग की दाल। जी जी, तो प्रभु जी आज टिक्कर मूंग की दाल बना रहे हैं अपनी कुटिया में। देखिए अभी बाबा जी का दाल
आधी से ज्यादा हो गया है। प्रभु जी दाल हो गया है क्या? हाँ हो गई। अभी प्रभु जी का दाल हो गया है, अभी प्रभु जी अब टिक्कर बनाने का तैयारी करेंगे। और प्रभु जी का टिक्कर बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छा टिक्कर बनाते हैं प्रभु जी। और देखिए प्रभु जी अभी आटा लाने जा रहे हैं अपने भंडार घर से। प्रभु जी आटा लाए हैं अभी, अभी इसका टिक्कर बनाएंगे और प्रभु जी का राम धुन चलते रहता है। अभी देखिए प्रभु जी टिक्कर में नमक डाल रहे हैं, रामरस। प्रभु जी ये रामरस है? रामरस। प्रभु जी रामरस डाल दिए हैं टिक्कर में। प्रभु जी संत हाथों का टिक्कर का क्या महत्व है, क्यों इतना स्वादिष्ट लगता है? वो तो लगता ही है, प्रभु को भोग है जी। हाँ लोगों का कल्याण कैसे हो, क्या कर्म करे, कैसे रहे? अब कल्याण तुमने हमारे देख कार के उन्होंने देख ही लिया सब कुछ है जी जी। कल्याण इसी में क्या है, कल्याण का मार्ग कि जैसे हम लोगों ने अपना ही खाना बनाया, अब इसमें देखो ये टिपन लगा है जी, ये जी जी, अब ये मंदाकिनी मैया को जाएगा। अच्छा ये भोग लगाएंगे और ये माँ मंदाकिनी जी को जी। अब हम जो भोग भगवान को भोग लग गया जी जी, भगवान के बाद एक टिक्कर और दाल जो सामग्री बनाई जी जी, वो सामग्री एक टिक्कर मंदाकिनी को जाएगा जी जी। फिर कुल शुरू कह रहे हम जल में व पानी में, तुम रोटी फेंक रही जी जी। हाँ। अब तो उन भी जो उन भी जानते हैं, जानते नहीं है वह बात को, जो बीच ये सोचते हैं कि ये ऐसो कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और जो जानता है वो सही सिद्ध कर रहा है। जल में मछली हैं, मिचकरियाँ हैं, कितनी जन जानवर हैं, पानी में हैं भी, उनको अन्न को किनका मिलता है, खाती चुनती हैं तो वे भी आशीर्वाद देती है। ऐसे हमें धन्य धन पुरुष जो हमको कोई ऐसा आया तो हमें भोजन मिलता है, भोजन को अन्न को सभी जीव जंतु सभी प्यारो लगता है। आगे तो ये प्रभाव दान धर्म पूर्ण बनता है, दान धर्म करना चाहिए, करना चाहिए। ऐसा में ये चीज है, पर अब हम पिछले दिन कर रहे हैं तो पिछले दिन हम आज लिख रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। आप करोगे आपका जाएगा, जग करेगा जग का जाएगा, जो पुण्य करेगा उसको फल मिलेगा, फल मिलेगा, रिद्धि सिद्धि मिलेगी, सारे काम होंगे। और अंत में जब परमात्मा के पहुंचेंगे तो क्यों भाई तुमको बानर तन दिया तो कुछ करके आए, फिर वो कहाँ कछु तो करो कछु नहीं करो कछु, कौनो कौनो कह रहे हैं महाराज भाई अब बिल्कुल भूल गए हमने कछु नहीं करो, अपने अपने पेट भराते हैं। आगे तो इसमें ये प्रभाव है कि तुम जो करत रहे अपने ही पेट भरत रहे, किसी को नहीं खिलाया। बयान होते जैसे वो बयान अपन कोर्ट कचहरी में होता है, जो जेल जाते हैं और जज बैठता है, धर्मराज जज हैं वे सब लेते हैं, उसमें लिखा हुआ झूठ बोल रही आत्मा ने तुरंत देखा, क्यों तुम झूठ बोल रहे, तुमने ऐसा सा कर्म किया, ऐसा सा अन्याय किया, यहाँ पर वो ये तो किया गलत काम पर वो गलती होने पर तो भगवान पर भगवान की माँ में जाती है कि तुम्हें तो कहते कि इसको नरक में भेज दो, तो नरक भोगने पड़ेगा। और जो पाप जो पुण्य बराबरी के हुए तो वो आत्मा से बोली जाती है, क्यों भाई दोनों तुम दो धर्म भी तुमने किया पाप भी किया, अकेले दोनों बराबर गए, पहले नरक भोगोगे कि पाप भोगोगे ना स्वर्ग भोगोगे। तो आत्मा या कसौटी है जो समझदार है तो वह कहती फिर वो हमें तुम पहले नरक दे रही हो, नरक भोगे स्वर्ग तो फिर भोग नहीं भोगने, तो भगवान खुश हो जाते हैं, वाह तो कहते जा माफ कर देते हैं,
स्वर्ग हो, स्वर्ग बजाओ। स्वर्ग मानी परमात्मा ने मन सुनी फिर भी दे दी, तो जो स्वर्ग है आए पृथ्वी से ऊपर गए आत्माओं फिर लौट के आने पृथ्वी पे, तो फिर अपने मन सुनी फिर अपने जो है अपने फिर औलाद अपने परमात्मा जन्म ले लिया। तो ऐसे ही जल चक्र चल, ये ऐसे ही चक्र चलते चक्र रहता चलता है, है। सही है। अच्छे कर्म का मानव तन, बुरे कर्म का नरक में का कीड़ा मकूड़ा दुनिया भर के होने, आठ रोज रहने को पंद्रह जन्म होने, आठ रोज रहने को पंद्रह रोज मर गए वो कुचर गए जो होगा वो होगा लौट पटर। 84 लाख योनियाँ भोगने पड़ती हैं ताकि बात फिर मानस ये करने को, तो फिर भी उसे याद करते फिर वो रोज मर रहे रोज जिंदा हो रहे कहा है फिर वो ये तो ऐसे वो उद्धार करो, वे कहते इतने दिन और चलो तो फिर उद्धार हो। देखिए ये है प्रभु जी का कुटिया, और कुटिया में प्रभु जी यहाँ पे जलावन रखते हैं, इसको बांध करके लाए हैं बीच जंगल से, और यहाँ पे प्रभु जी इसको तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे बारिश आती होगी तो ये पूरा भीग जाता होगा, फिर ये कैसे जलेगा फिर, तो प्रभु जी को भोजन प्रसादी बनाने में इसके लिए मुश्किल होती है। और प्रभु जी तो निराले संत हैं, सीताराम प्रभु जी सीताराम प्रभु जी बना रहे हैं टिक्कर। देखिए संत भगवान कैसे चूल्हे के अंदर टिक्कर बना रहे हैं, ऐसे ही बनाते हैं टिक्कर। अभी प्रभु जी का टिक्कर बन गया है, प्रभु जी इसको धो करके अब रख देंगे क्योंकि किसी चीज को छोड़ते नहीं है, संत पूरे पवित्र के साथ भोजन प्रसादी बनाते हैं। अभी दाल में छौका भी लगाएंगे प्रभु जी। अच्छा अच्छा, प्रभु जी दाल में छौका नहीं लगाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। ठाकुर जी का भोजन प्रसादी, अब भोजन प्रसादी का भोग लगेगा ठाकुर जी को, और ये प्रभु जी का दाल है, देखिए कितना अच्छा से बनाया है, टिक्कर और दाल का ठाकुर जी को भोग लगेगा, प्रभु जी अब भोग लगाएंगे। अब भोग लगाने जा रहे हैं प्रभु जी। श्री राधे श्री राधे, जयावर रामचंद्र की जय। हरि ठाकुर जी को भोग लग गया है, बस प्रभु जी पाएंगे इसको। अब प्रभु जी अग्नि को चढ़ा रहे हैं भोजन प्रसादी, ठाकुर जी को भोग लगने के बाद। ये संत जीवन होता है, संत लोग बाद में ग्रहण करते हैं, पहले सबको लगा देते हैं भोग। ये देखिए प्रभु जी के आश्रम में ये बारिश अभी कितनी तेज़ी से आ गई है, और अभी जो सावन का महीना है तो बारिश कभी भी आ सकती है। और महाराज जी का कुटिया देखा, महाराज जी का भोजन प्रसादी कैसे बनाते हैं वो देखा, मुखारबिंदु से कुछ बातें सुना कैसे रहते हैं,
कैसे भजन संध्या करते हैं सब देखा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य तीर्थस्थलों से, अन्य ऐसे ही दिव्य संतों से। तो तब तक के लिए जय श्री राधे, जय सियाराम। और वीडियो अच्छा लगे तो एक आग्रह रहेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए महाराज जी, आग्रह आपसे विदा लेने का एक आज्ञा दीजिए। आज्ञा का यहीं आओ। जय सियाराम प्रभु जी। ये प्रभु जी का निर्मल विचार है, जब से आए हैं तब से प्रेम ही कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग से अब विदा लेते हैं। जय सियाराम। हर हर गंगे, राधे राधे।